जी हाँ साथियों, अगर आप यहाँ पर आसानी से देखेगा तो नयून कोण त्रिभुज लिखा हुआ है, और यहाँ नयून का मतलब होता है एक्यूट, और कोण का मतलब एंगल, और त्रिभुज का मतलब ट्राइंगल। तो इसको समझना कैसे, तीनों को अगर हम साथ ही पढ़ते हैं तो नयून कोण त्रिभुज ये किसे कहते हैं, क्या होता है? तो मैंने आसानी से लिख रखा है, बहुत ही आसान है। वो क्या है तो यहाँ पर समझिए, ऐसे त्रिभुज जिनके सभी अंतःकोण का मान 90 डिग्री से कम हो उसे हम कहते हैं नयून कोण त्रिभुज। देखिए आपको उदाहरण से समझा रहा हूँ, आप इजी वे में समझ जाइएगा। एक बार और से पढ़ते हैं हम, लिखा क्या हुआ है कि ऐसे त्रिभुज जिनके सभी अंतःकोणों का मान 90 डिग्री से कम हो तो हम उसको क्या कहते हैं, नयून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अभी अभी आपने यही देखा होगा ना, तो यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, नयून कोण त्रिभुज लिखा हुआ है। तो यहाँ पर परिभाषा में भी मैंने लिख रखा है ऊपर कि ऐसे त्रिभुज जिनके सभी अंतःकोण, अंतःकोण कहने का मतलब होता है साथ ही अंदर के कोण, ये अंदर के कोण है, ये भी अंदर के कोण है, और ये भी अंदर के कोण है। ओके, तो अंतःकोणों का मान क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 75 90 से कम होता है, और 75 यहाँ पर भी 90 से कम होता है, और 30 क्या है, 90 से कम होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, नयून कोण कहते हैं, नयून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 90 से कम लिखा है, यहाँ पर भी 90 से कम लिखा है, और यहाँ पर भी 90 से मैंने कम लिखा है। अगर आप इन तीनों को जोड़िएगा ना, इन तीनों को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 180। और आपको भी पता है त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो आपको नयून कोण त्रिभुज आ गया होगा। तो यही थी आपकी परिभाषा, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिख रखा है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोकिए और आसानी से लिखिए। अगर आपको समझ आ गया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।